ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 70% पानी है शरीर में भी, 70% पानी की लेवल है। दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं रहते हैं, तो शरीर में भी 850 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया तीन लोग बने हैं दुनिया में, साकार लोग, आकार लोग, निराकार लोग। शरीर में भी तीन लोग हैं, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, जल, वायु, पृथ्वी। तो इसी तरह शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। और जिन्होंने इस दुनिया पर शासन किया, इसको बदल दिया, ये दुनिया को भी बदल सकते आप। लेकिन हम दूसरों को बदलने में लगे, वो क्या करता है, वो क्या करती है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं। और जो अपने को नहीं बदलता, दूसरों को बदलने में लगा रहता है, वो कभी भी विश्व परिवर्तक नहीं बन सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए अपने आप को बदला, अपने हर इंद्रियों पर शासन किया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये सब कौन है? आत्मा की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन आज ये रक्षक ही भक्षक बने। अगर घर का ही कोई भेदी बनाए, घर की हालत क्या होगी? माया कहीं दूसरे की तरफ से नहीं आती, कहां से आती है? अपने ही इंद्रियों की तरफ से आती है। इसलिए इस इंद्रियों को, इस किले को मजबूत बनाओ। पहले राजा किसी में रहते थे? राजा पहले किले में रहते थे। तो हमारा किला कौन है? शरीर हमारा किला है और इसमें राजा रहता है। इस किले को, दरवाजे को मजबूत बना दो। जगह जगह पर दरवाजे में कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, कोई भी जाता उसकी पूछताछ होती है, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है। इसी तरह हमारे भी शरीर रूपी किले के दरवाजे कौन से? कान, आंखें। लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, कुछ भी बातें अंदर आ रहे हैं। और इसलिए राजे की हालत गंभीर हो गई है। इसलिए रोज इनकी चेकिंग करनी है। तो हम रोज अपने इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? रोज अमृत वेला उठने के बाद क्या करो? अमृत वेला उठो, अमृत वेला अच्छी तरह बाबा से रूरवान करो, योग करो, और उसके बाद अपने इंद्रियों से बातें करो। क्योंकि बाबा आज हमें एक दोस्त के रूप में मिला है। आपकी फिर से दोबारा राजा ही देना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है। तो रोज उस दोस्त के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, अमृत वाला उसकी शक्ति लो, पावर लो, और पावर लेकर के फिर नीचे आओ अमृत वाला करके। और अमृत वेला करके नीचे आने के बाद अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो 5-10 मिनट के लिए। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज इस शरीर रूपी देश में, ये शरीर देश है, शरीर एक ऑफिस है, इसमें आकर के सबसे बात करो। कैसे बात करो? सबसे पहले पहली बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता? इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मैं आज अमृत वेला मेरे दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं। और शिव बाबा मेरा दोस्त ऐसा वैसा इशारा नहीं देता, मेरा वो हित चिंतक है।
मुझे फिर से मेरी राजाई देने की उसकी कामना है, लेकिन हे कान तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो। कान किसका खाता है? आत्मा का खाता है, क्योंकि आत्मा का कमाया हुआ खून सप्लाई होता है कान को, आत्मा का खान है, उसके राजाई में रहता है। धोखा किसको दे रहे हैं? जिस थाली में खा रहा है उसको, थाली को छेद कर रहे हैं। इसीलिए हे कान आज तक जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत बातें नहीं सुननी है। अगर तुम परचिंतन की बातें सुनोगे, गलत बातें सुनोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं इस किले के चारों तरफ से आजकल सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आजकल जमाना है ना, कोई घर है, कोई बड़ा सब ऑफिस है, गुप्त कैमरे लगे रहते हैं, कौन क्या करता है सब पता चलता है। इसीलिए कान को समझाओ, हे कान मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है, की बातें सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? मैंने तुम्हारे द्वारा वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, परमात्मा को देखा है। तो क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? आज जिस परमात्मा को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे हैं, कई दिनों से एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तो भी उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। और हे आंखें, तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है। देखा है ना माउंट आबू में कौन कौन बाबा मिलन करके आए हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है बाबा को। तो आंखों को समझाओ, हैं आंखें, तुमने बाबा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? और कई ने तो 9-10 बार भी बाबा का मिलन किया है, रात रात बाबा को देखा है। तो हे आंखें, तुमने प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। रात को समय में चेक करने वाला हूं 10 बजे। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेले के बाद सवेरे 5:07 इंद्रियों से बातें कर रहे हैं, उस समय बोल रहे हैं। इसलिए हैं आंखे, मेरा तुम्हारे पर निगरानी रहेगी। अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, और अपशब्द बोलने के बाद मेरा उस व्यक्ति के साथ अनबन हो जाती है, वो मेरे से दूर हो चला जाता है। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान, मैं तुमको सजा दूंगा। और मुझे ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है, अगर उसमें कुछ पता चलेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राजे के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? समझो, दर्शन किया, आदि दुआ तुमको मिलती है पांव को। क्यों? हाथ ने कर्म ना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? सारी इंद्रियों को अपने सिर पर उठाकर लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर,
हे चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन सुनाने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन सुनाया मुख ने, आदि दुआ किसको मिली, बदवाई किसको मिली, पांव को, क्योंकि पांव तो परचिंतन सुनता, फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसको चढ़ा, पांव को, क्योंकि पांव भी वहां लेके गया था। इसका मतलब सारी इंद्रियां आज आत्मा के एंटी में चल रहे हैं। इसलिए एक एक इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण रखो। अगर इंद्रियां आत्मा के हितेशी नहीं है तो कितना साल भी आप तपस्या करेंगे आप मायाजीत नहीं बन सकते। इस युद्ध में अकेला आत्मा का काम नहीं जीत प्राप्त करने का, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। और आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए कहावत ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर का जा। इस नगरी का राजा सोए और उसमें जो चाहे हो रहे हैं। हर इंद्रिया मायाजीत बनने के लिए सहयोगी चाहिए। जब हर इंद्रिया मायाजीत बनने के लिए सहयोगी बनेगी तब भविष्य के राजा बन सकते हैं। तो बात करो पांव से। समझो फिल्म देखने के लिए गए, कौन लेके गया, पांव लेके गया। किसी का परचिंतन करने के लिए लेके गए, कौन लेके गए, पांव लेके गए। अगर पांव ज्ञान में चलता वो क्या कहता, हे कान तुमको परचिंतन सुनना है, तुम जाओ, भले 5-6 दिन के बाद आना, मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं राजा का हितकारी हूं। अगर हर इंद्रिया माया, हर इंद्रिया अगर माया के एंटी में चलेंगी, श्रीमद प्रमाण चलेगी, आत्मा के हितेशी बनेगी, तो कोई भी इंद्रियों से गलत काम नहीं होगा। इसलिए इस इंद्रियों को चेक करो। आज हमें कर्मेंद्रिय ही धोखा देती हैं, और जिसको कर्मेंद्रिय धोखा देते वो राजा कैसा बनेगा। इसलिए राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय चिंतन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो। अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो, क्योंकि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। लेकिन बुद्धि कौन सा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सारा कारोबार बुद्धि के हाथ में है। लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया और पूरा राजकारोबार तुम्हारे हाथ में दिया है, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय किया जो मेरी पूरे राजा ही गवा दी। इतना ही नहीं, तुमने माया के मुझे जेल में डाल दिया। यही तुम्हारे विश्वास का, मेरे विश्वास का फायदा लिया तुमने। अपने से बातें करो। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं बाहर। लेकिन आज हम जैसे आजकल बताए ना, मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह आज हमारा मन क्या सोच रहा है, कान क्या देख रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, आंखें क्या देख रहे हैं, वो कोई देखने का टाइम ही नहीं हमको। हम अपने आप में बिजी हैं। और जब गलत काम होता है तब हमारी आंखें खुल जाती हैं, मेरे से गलत काम कैसे हुआ। इसलिए रोज अपना दरबार लगा दो, रोज एक एक इंद्रियों को चेकिंग करो। यह है स्व परिवर्तन का तरीका। आज हमारे अपने ही धोखा दे रहे हैं। और जो इंद्रियों के अधीन है, जैसे बता ना,
अगर पानी के ऊपर नौकर चलेगी पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। और जो इंद्रियों को जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो कभी भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। आत्मा चुप सुन रहे, मन बेकार है बोल रहे हैं, उस समय आत्मा का फर्ज है। हे आत्मा, जिसके लिए भगवान कहता है मीठे बच्चे और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा बोला तो। यह सशक्त राजा, कमजोर राजा नहीं बनो। और कमजोर राजा बनेंगे, इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे, तब कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए सशक्त राजा बनो, हर इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा देती है, कान धोखा दे रहे के मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, आंखें बंद है। जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, वो राजा कैसा बनेगा? तो एक शास्त्रों में गायन है, पांडव धृतराष्ट्र कैसा बना? अंधा बना। क्यों अंधा बना? उसको दृष्टि दे रहा था ऋषि उसके माँ को, लेकिन माँ ने क्या किया, आंखें बंद गई। ये वास्तव में संगम युग का यादगार है। संगम युग में परमात्मा आकर के हमें दृष्टि दे रहे हैं और उस समय हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। तो कैसे बनेंगे? आंधा, आंधा मतलब कोई आंखों की आंधे की बात नहीं, पता ही कि गलत है तो भी कर रहे हैं, पता ही कि नहीं करना है तो भी कर रहे हैं, ये आंधा। इसलिए एक एक इंद्रियां जब हम योग में बैठते हैं तभी सारी इंद्रियां अलर्ट होकर के अपनी ड्यूटी ठीक करें। अब योग चल रहे हैं लेकिन आंखें बंद है, आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुरली सुन रहे हैं आंखें बंद है, कान भी बंद है, ये अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर। क्यों नहीं करें? क्योंकि राजा कमजोर हैं। क्योंकि इसलिए रोज हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों से बातें करनी है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जितना स्वराज्य अधिकारी जिसका, इसीलिए कहते हैं ना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। वास्तव में सुखी वही है जिसके, जैसे मोदी जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री एक्यूरेट काम करेंगे। ये कोई गलत काम करता मोदी, इसी तरह आज आत्मा को शांति कब होगी, जब आत्मा की हर इंद्रियां एक्यूरेट काम करेगी। हाथ ने थप्पड़ मार दी आत्मा की नींद फिट गई, आंखों ने गलत देख लिया आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रिया जब एक्यूरेट श्रीमद प्रमाण चलेगी तब आत्मा को शांति मिलेगी। किसी ने गाली दी, समझो मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिख दिया, ये पत्र कहां जाता, पहले कहां जाएगा, उसके पीए के पास जाएगा और पीए उसको पढ़ेगा, फिर कहेंगे फालतू आदमी क्या लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब उसका पीए उसके हितेशी है। इसी तरह आज हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाते हैं, हमारा आत्मा ये कौन है, कान। तो कान क्या करता है, फटाफट आत्मा को बोलता है हमको गाली दी, हमको गाली दी, तो आत्मा अशांत होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये पीए आत्मा का हितेशी नहीं है। एक्चुअली सवेरे के मुरली सुनी चार पेज की, तो ये मुरली की बातें बार बार आत्मा को याद दिलाना चाहिए कान ने, लेकिन उस कान क्या करता, वो बातों को निकाल देता है, चार पेज की मुरली। और किसी ने गाली दी, कितना दिल तो याद दे रहा था हमको इसने गाली दी है करके। इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता
ऐसी फालतू चीजों को आत्मा तक नहीं पहुंचाता। इसीलिए एक एक आज कई माताएं कई बहनें कहते हैं मुझे कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं, मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं। कौन क्यों नहीं रिगार्ड देता? जिसकी इंद्रिया उसको रिगार्ड देगी सारे लोग भी उसको रिगार्ड देंगे। पहले अपने घर के रिगार्ड दें। आज हमारा कान रिगार्ड नहीं दे रहा आत्मा को, आंखें रिगार्ड नहीं दे रहे, तो कौन रिगार्ड देगा आपको? इसलिए अपने इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाओ। ये है राजाई लेने का आधार, स्वराज्य अधिकारी बनो। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक इंद्रियों पर शासन करो। तो बुद्धि के साथ मैं बता रहा था, बुद्धि के साथ बात करो। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और वो भी कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री। और मेरा मैंने पूरा राजकारभार तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने ऐसी कोई गलत निर्णय की तो पूरी मेरी राजाई गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला। इसीलिए आज तक जो हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम कोई गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आज फिल्म देखने के लिए गए, मन में पहले विचार आया फिल्म देखना है, वो फाइल कहाँ जाती है? पहली केंद्रीय मंत्री के पास जाती है, मन के बुद्धि के पास गई और बुद्धि ने क्या क्या निर्णय कर, हाँ जाओ बोल दिया। साइन किसके हैं? बुद्धि के साइन है। इसका मतलब सारे पापों का जड़ कौन है? बुद्धि। जितने भी हमारे पाप हुए हैं आज तक उस सब को साइन किसने किए हैं? कई फिल्म देखे जाओ, कुछ ये करो, गलत काम करो, किसी को गाली दो, निर्णय किसने दिया? अगर बुद्धि सचमुच आत्मा के हितैषी होती आज इतने पाप ना होते। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। अगर निर्णय लेना है श्रीमद के आधार से लेना है। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। एक एक इंद्रियों की चेकिंग करो और इससे भविष्य की राजाई मिलने वाली है। ऐसे नहीं कि यहाँ आ गए तो हम राजाई मिलेगी, मुरली सुनेंगे, अमृत वाला योग करेंगे, लेकिन वो अमृत वाला योग कैसा है, मुरली कैसे सुनते हैं, एक एक चीज की चेकिंग करनी है स्वराज्य अधिकारी बन करके। तो स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य का राजा ही ले सकता है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार।